दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 20 के करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यूज लेके हूँ, जो कि आपको आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में और पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी PSSB के एग्जाम होने वाले हैं उनमें आ सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसका कूलम, ठीक है कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन, किलो वाट हॉर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट हॉर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर से उठाए गए, जो कि ऑलरेडी जो जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उनमें आ चुके हैं, जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उनमें भी आ चुके हैं। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इज अ मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ शिप, नॉट इज अ मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ अ शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जी, वो टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स, मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, द डोमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के सेम किसका डोमेंशन है, वो मोमेंटम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज इज नॉट अ वैक्टर, कौन सी वॉल्यूम इज नॉट अ वैक्टर क्वान्टिटी, बाकी सब है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और फोर्स, जबकि वॉल्यूम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द प्रीवियस ईयर में आ चुका है RRB NTPC फेस 1 के 2016 के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, कौन सा जी वेलोसिटी, इसमें कौन सा पूछा विच इज नॉट अ वैक्टर क्वान्टिटी, इसमें पूछा कि विच इज अ वैक्टर क्वान्टिटी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 वेलोसिटी, कौन से नहीं है टाइम टेम्परेचर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ब्लड प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्पाइगोमैनोमीटर, ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो म्यूकी इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ कौन सा टेलीफोन, एंटोनियो म्यूकी इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, यह भी RRB के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी इन्वेंशन से ये इन्होंने की है, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रिचर स्केल, कौन सी चीज़ फॉल्स है, इससे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ 8-9 ऑन रिचर स्केल मीन्स इट इज़ अ माइक्रो अर्थ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, इसके राइट कौन से, इट इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिचर एंड ग्यूटेनबर्ग इन 1935, ठीक है, इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल, इट कैन बी मेजर यूजिंग अ सीसोमीटर, ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसका रॉन्ग आंसर है, यानी कि राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, इट इज एक्सेलरेटेड इज कॉन्स्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, एनी ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द टाइम, इट इज एक्सेलरेटेड इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू एम टी देन द पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When an object throws straight upward gets to the top of its path, it is its velocity zero and its acceleration is about 10 meter per second का square, ठीक है जी। Next question, velocity of car does not depend on speedometer, velocity of car does not depend on speedometer. Next, distance of moving object may be positive, distance of moving object may be positive. Next, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सट्रीमली फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, हु गिव्स द दिस आइडिया, ये किसने आइडिया दिया था, अरिस्टोटल ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कौन से नहीं है, एक्शन रिएक्शन
एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी इनकरेक्ट है, अ पर्सन लिफ्टिंग ऑन अ हैवी ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑप्शन गलत है, जबकि सही कौन सा, वॉशिंग मशीन पुश्ड अलोंग अ फ्लोर, स्लाइड स्लाइडिंग क्रॉस स्नो, अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड, ये ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है। ठीक है दोस्तों, ये तो करीब 20 के करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू जो कि रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का उसमें आ सकते हैं, और जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम उनमें भी एक साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में से लिए गए हैं। और इससे इसके बाद दोस्तों एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें भी साइंस के रिलेटेड एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में लिए जाएंगे। अच्छा करते दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।